बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, ग्रेड 7 कंप्यूटर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो सुनो, आप अपनी बुक्स को ओपन करें। ठीक है, एंड पेज नंबर 5। सुनो, हमने प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। तो पहला हमने कंपोनेंट देखा था मदरबोर्ड, आज हम दूसरा देखेंगे प्रोसेसर। ठीक है, ये हमारे पास प्रोसेसर, ये इसकी डायग्राम में आप देख सकते हैं प्रोसेसर चिप। ठीक है, प्रोसेसर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो प्रोसेसर होता है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है कंप्यूटर सिस्टम का होता है। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। इसको हम CPU भी कहते हैं। ठीक है, एंड कंसिडर एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, प्रोसेसर को। इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है, जिस तरह सारी चीज़ों को यही कंट्रोल करता है। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये रिस्पॉन्सिबल, ये एक जिम्मेदार होता है, हम कह सकते हैं कि जो भी और जो ऑपरेशन कंप्यूटर के परफॉर्म हो रहे हैं उसको भी, ऑपरेशन जो होते हैं यूनिट, अदर यूनिट जो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये यूनिट्स हैं वो करते हैं, तो उनको भी देखते हैं। द CPU स्पीड इज़ मैयर इन हर्ट्स, जो CPU की स्पीड होती है उसको हर्ट्स में हम मैयर करते हैं। ठीक है, विच इज़ द नंबर ऑफ साइकिल इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, जो नंबर ऑफ साइकिल या इंस्ट्रक्शन जो होती हैं पर सेकेंड में उनको। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ CPU इज़ मैयर बाय MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जो परफॉर्मेंस होती है CPU की, हम उसको किससे मैयर करते हैं, MIPS से, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जो मिलियंस ऑफ पर इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जो होती हैं उनसे हम मैयर करते हैं। Nowadays, CPU performance can be measured in BIPS, billion of instruction per second. आजकल जो है हम CPU की जो performance है उसको हम BIPS से, billion of instruction per second से measure करते हैं। ठीक है, उसके बाद, अच्छा, उसके बाद देखें, regardless of its construction, CPU has at least two parts. बेसिक पार्ट, CPU के जो हैं दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, CPU मीन्स प्रोसेसर के। ठीक है, द कंट्रोल यूनिट CU एंड द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। एक होते हैं हमारे पास CU कंट्रोल यूनिट, और दूसरा हमारे पास होते हैं ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर की, ठीक है, दूसरी होती है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जो CPU या प्रोसेसर जो हमारे पास होता है वो किसके ऊपर लगा होता है, मदरबोर्ड के ऊपर। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, ये मदरबोर्ड यहाँ पे लगा होता है, सिलिकॉन की चिप्स होती हैं। ठीक है, उसके साथ ये लगा होता है, उसके ऊपर एक कूलिंग फैन भी लगा होता है। तो आइए हम इसकी जो दो टाइप्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो हमारी जो टाइप्स हैं CPU की या प्रोसेसर की, वो तो हमारी जो पहली टाइप्स है वो है कंट्रोल यूनिट। तो CU कंट्रोल यूनिट क्या होता है, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं ऑल द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसको कंट्रोल भी करते हैं और कोऑर्डिनेट भी करते हैं। ठीक है, द CU कंट्रोल यूनिट कैन परफॉर्म इंस्ट्रक्शन बाय फॉर मूविंग द डेटा फ्राम वन प्लेस टू अनदर। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या परफॉर्म करता है, कि जो हमारे पास जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जो हम मूव करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज, जो हम जो हमारी जो मेमोरी होती है उससे हम जब स्टोरेज की तरफ, जिस तरह हम कोई भी डेटा है एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो किसकी मदद से होते हैं, कंट्रोल यूनिट की मदद से होते हैं। टू प्रिंटर एंड सो फार, मेमोरी से स्टोरेज की या प्रिंटर की तरह जो हम करते हैं। हाउएवर, व्हेन कंट्रोल यूनिट फाइंड्स द इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्विंग द अर्थमेटिक और लॉजिक, जब कंट्रोल यूनिट जब उसको देखता है कि जो इंस्ट्रक्शन जो आ रही हैं वो अर्थमेटिक या लॉजिकली हैं, इट पासिस टू इट टू द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जब वो देखता है कि कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आ रही हैं जो अर्थमेटिकली या लॉजिक हैं, तो वो किसको पास कर देते हैं, ALU को, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को। ठीक है, तो ये कंट्रोल यूनिट का जो बेसिक काम होता है ये होते हैं। उसके बाद दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU।
एएलयू क्या करते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आवर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये क्या करते हैं, ये जो हमारे अर्थमेटिक और लॉजिक लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। द अर्थमेटिक ऑपरेशन इंक्लूड्स एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जिस तरह एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डिवीजन होते हैं, व्हाइल द लॉजिकल ऑपरेशन इंक्लूड कंपैरिजन सच एज डिटरमाइन वेदर वन नंबर इज इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन अनदर नंबर एक्सेट्रा। जो हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो क्या होते हैं कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना। जो हमारे लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो क्या होते हैं कि हम किसी भी नंबर्स को कंपेयर करें, ठीक है, या किसी नंबर को ये इस नंबर से ग्रेटर है या लेस है इनको देखना, या ये इसकी इक्वल है, या कोई और जो इनके रिलेटेड जो काम होता है वो क्या कौन करता है, लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं, और ये सारा काम कौन करता है, एएलयू करता है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको प्रोसेसर की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो आगे हार्डवेयर के जो और कंपोनेंट्स हैं हम उनको देखेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।